finally I almost reached to the college. ये reached words से ना मुझे एक joke याद आ गया. मेरी एक cousin sister है, वो बचपन में एक बार मुझे बता रही थी कि उसके school में एक English teacher आई थी जो कि बहुत बुरी English पढ़ाती थी, और उसे प्रेजेंट पास्ट टेंस का भी उतना कोई नॉलेज नहीं था. तो एक बार क्या हुआ ना कि वो टेस्ट ले रही थी और फिर बच्चों लोग को डांट भी रही थी कि आई टीच्ड, आई टॉट होता है, लेकिन वो बोल रही थी आई टीच्ड. तो एक बच्चा बोला कि मैम टीच नहीं टॉट होता है ना, तो वो मैम घबरा गई और फिर बाद में बोलती कि नहीं दोनों होता है. भाई कुछ कुछ टीचर्स ना अपने आप को सही करने के लिए बच्चों लोग को गलत नॉलेज भी दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. और वो भी DPS का टीचर ऐसा हो सकता है, मुझे तो सुन के ही बड़ा अजीब लग रहा था. लेकिन फिर मेरी बहन ने बोला कि उस टीचर को बाद में सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो अच्छा नहीं पढ़ाती थी. कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा पढ़ाना है और मेरे कॉलेज के टीचर्स बहुत अच्छे हैं. अच्छा हाँ याद आया, जब मैं कॉलेज से निकलूँगा ना अभी, तो आपको अपने कॉलेज के टीचर्स के बारे में बताता हूँ जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं. सो अभी कॉलेज से निकलने के बाद उनकी बातें होंगी. सो लेट्स गो टू द कॉलेज एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे. इडली वाला ज़रूर कॉलेज के बाहर बेचने आया होगा. मुझे भी कभी कभी खाने का मन करता है लेकिन मैं कभी खाता नहीं. कोई बात नहीं, कभी टेस्ट करेंगे. 6.5 hours later. All right guys, so हम लोग कॉलेज से निकल चुके हैं, छुट्टी हो गई है कॉलेज से, और अभी मुझे जाना है Sector 4 एक बुक लेने. एक्चुअली सैटरडे को मेरा सेमिनार है ना, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मुझे एक बुक की ज़रूरत है. तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे बुक ख़रीदने, उसके बाद फिर घर चलेंगे. एक्चुअली आज पूरा दिन क्या हुआ ना कि मेरा प्रिपरेशन में ही बीत गया. मैंने सिर्फ एक पीरियड अटेंड किया, बाकी के दोनों पीरियड्स मेरे प्रिपरेशन में ही चले गए. एंड आज घर जाके भी मुझे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा उसके लिए. ओके सो मैं कुछ टाइम पहले आप लोगों को बता रहा था ना कि यहाँ का वेदर कितना अजीब है. अभी बाहर निकलते ही मुझे इतना अजीब लग रहा था ना, जैसे कि अभी सन पूरे अच्छे तरीके से निकला हुआ है और गर्मी कुछ ज़्यादा ही है. आई वॉज टेलिंग कि एक ही दिन में हमें पूरे साल का मौसम देखने को मिल जाता है. अभी देखना शाम को क्या पता बारिश हो जाए. बाय द वे कॉलेज जाते टाइम मैं आप लोगों को बता रहा था कि छुट्टी के टाइम मैं आप लोगों को अपने टीचर्स के बारे में बताऊँगा. सो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. जब मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होने वाला था ना, तो मेरी किसी गलती की वजह से एडमिशन यूनिवर्सिटी के थ्रू कैंसिल हो गया था. देन क्या हुआ ना कि यहाँ से मुझे फ़ोन आया कि योर एडमिशन हैज़ बिन कैंसिल, तो आके मिलो फटाफट. तो मैं गया अपने पापा के साथ, पापा ने मुझे थोड़ा बहुत सुना भी दिया इसकी वजह से. देन उसके बाद जो मेरे टीचर्स थे उन्हें, एक्चुअली टीचर्स को उतना कुछ मतलब नहीं होता, और वैसे भी आई वॉज जस्ट अ न्यू स्टूडेंट देयर, तो किसी से कोई जान पहचान तो थी नहीं. लेकिन फिर भी वहाँ के जो टीचर्स थे ना, उन्होंने मतलब प्रॉपरली मुझे गाइड करके बताया कि मतलब गाइड नहीं किया, उन्होंने मेरी सारी मदद की जो भी मुझे चाहिए था फिर से री एडमिशन होने में, और उन लोगों की वजह से ही मेरा वापस से फिर एडमिशन हो पाया था. एंड सेकेंडली अभी कुछ टाइम पहले एज यू नो मेरी दीदी की शादी थी और मेरा जो सेमिनार था वो उसी के बीच था. तो मैंने जस्ट कहा कि सर मैम मैं 2 हफ्ते नहीं आ पाऊँगा कॉलेज क्योंकि आई हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि मेरी दीदी की शादी है. सो या मैंने रीज़न बताया एंड दे टोल्ड दैट डोंट वरी, कोई बात नहीं, तुम बाद में भी कर सकते हो. लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी बिना बताए छुट्टी मार रहा है ना, तो उसका सेमिनार सबसे लास्ट में किया जाएगा और सेमिनार हैज़ 15 मार्क्स फॉर दैट. तो उस 15 मार्क्स को लेने के लिए हमें सेमिनार तो देना ही पड़ेगा.
क्या एक्चुअली यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, किसी भी कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है हमेशा करने को रेडी रहते हैं, बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग आती है यहाँ। बाकी सारे कॉलेजेस की तरह सिर्फ नाम के टीचर्स नहीं हैं। सो या आई एम वेरी लकी कि ऐसे टीचर्स मुझे मिले। और अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं क्योंकि ये रोड खाली है एंड सैंड भी है, तो थोड़ा बच के थोड़ा सा क्या सैंड पे कभी भी स्कूटी नहीं चलानी चाहिए, इट्स वेरी डेंजरस। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक दो बार एक्सपीरियंस कर भी चुका है। अभी विंड भी इतनी चल रही है ना कि आई गेस मेरी आवाज़ आप लोग तक प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रही होगी, आधा साउंड तो विंड ही कैप्चर कर लेता है। अभी मैं राइट मुड़ूंगा ना तो शायद आवाज़ अच्छे से आएगी, क्योंकि विंड की डायरेक्शन मेरे राइट से होके जा रही है। गाइस आप लोग को याद है जो सामने होटल है ना, नहीं नहीं वो वाला थोड़ा और आगे। अब यहाँ से हम लोग मुड़ते हैं राइट, ये स्पीड बम्प के वजह से ना कैमरा भी फालतू में इधर से उधर हिलते रहता है। यू नो विंड्स के वजह से ना कभी कभी, एक मिनट अभी थोड़ी स्पीड में चलते हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे। या सो आई वाज सेलिंग की विंड्स के वजह से ना कभी कभी मेरा थोड़ा बैलेंस भी बिगड़ जाता है, क्योंकि अगर विंड साइड से आती है तो कभी कभी वो मुझे पूरी तरीके से लेफ्ट ढकेलने में लगी रहती है और कभी कभी पूरी तरीके से राइट। कल क्या हुआ था ना कि जब बारिश हो रही थी तो मैं गलती से थोड़ा सामान वगैरह लाने बाहर गया था, तो ऐसा विंड था ना कि वो मुझे राइट की तरफ ढकेले जा रहा था एंड आई वॉज ड्राइविंग इन द लेफ्ट साइड। सो आई वॉज ड्राइविंग इन द लेफ्ट साइड और मेरे राइट साइड में जो पार्टीशन होता है ना रोड का बड़ा सा वो था, तो बार बार विंड मुझे ढकेले जा रहा था उधर और मैं बार बार लेफ्ट मोड़े जा रहा था। तो विंड में भी गाड़ी चलाना एक टाइप का स्किल है जो कि शायद मैंने हल्का फुल्का मास्टर कर लिया है, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। यू नो आई वॉज जस्ट चेकिंग द फुटेजेस थोड़ा रुक कर, और मैं देख रहा था कि 2 मिनट में हम लोग कॉलेज से यहाँ तक आ गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना दूर का रास्ता 2 मिनट में कवर हो जाता है। आज ये रोड बड़ा खाली है, हमेशा तो भरा पड़ा रहता है। आज वेंसडे है ना, क्या पता हर दिन की अलग अलग बात होती होगी, आज इतने लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोपहर का टाइम है ना तो ये रोड हमेशा भरा रहता है। सो फिलहाल अभी हम लोग बुक स्टोर के पास ऑलमोस्ट आ गए हैं। गाइस आप लोग को ये रास्ता याद है, यहाँ पे श्रेयांश का हॉस्टल है। श्रेयांश को तो आप लोग सब जानते ही होंगे ना, मैंने शुरुआती कुछ वीडियोस में उसके साथ वर्कआउट वगैरह किया था। फिलहाल अभी उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो अभी अपना घर गया हुआ है, तो वो मार्च के बाद आएगा आई गेस। और ये हम लोग पहुंच गए स्टूडेंट फ्रेंड्स बोकारो का नंबर 1 बुक स्टोर, सो लेट्स गो देयर। A few moments later. All right guys, so जो बुक मैं ख़रीदने वाला था वो मैंने ख़रीद लिया है और फिलहाल अभी घर चलते हैं। किधर से जाया जाए, लेट्स गो फ्रॉम द स्ट्रीट। आज वैसे कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया है। ये लोग भी ना भाई, यहाँ स्ट्रीट फूड की क्या मस्त खुशबू आ रही है।
ऐसा लग रहा है कि कुछ खा लूँ, लेकिन नहीं, डाइट पे कंसंट्रेट करना है। यू नो गाइस, जब मैं पहले ऑटो से जिम आता था ना दोपहर को अराउंड 1-1.5 बजे, तो क्या होता था ना कि जिम से निकलते टाइम मैं कुछ ना कुछ फालतू की चीज़ें खाने के लिए ख़रीद लेता था। वैसे अब अच्छा है, अब मैं रोज़ सुबह आता हूँ 6:30 बजे, ना तो कोई दुकानें खुली रहती हैं ना कुछ। आराम से सुबह सुबह जिम आओ, जिम करके चले जाओ। अगेन मौसम का हाल अजीब टाइप का हो गया है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ऑटम का सीज़न आ गया है। तो मुझे क्या लगता है ना कि आज के लिए कंटेंट शूट कुछ ज़्यादा ही हो गया है राइड पर, तो फ़िलहाल अभी राइड की शूट यहीं बंद करते हैं और मैं मिलता हूँ आप लोगों को घर पर। लेट्स सी आज डाइट में क्या है, क्योंकि पिछले 2 दिन से तो मेरी डाइट अच्छे से हो ही नहीं पा रही है। एक मिनट, ये ऑटो वाले को थोड़ा जाने दो, या फिर मैं ही आगे जाता हूँ, क्योंकि इसकी आवाज़ से ना आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। पिछले 2 दिन से मैं अपनी कोई डाइट वगैरह तो ले ही नहीं पा रहा, मतलब ले रहा हूँ लेकिन कुछ कुछ चीट मीस वगैरह हो जा रही है, लेकिन आज अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आई होप आज का पूरा दिन मेरा डाइट के साथ चला जाए। सो लेट्स गो होम। वन इटर्निटी लेटर। अरे ये क्या, यहाँ तो सब कुछ फैला पड़ा है। इनको सजावट का बहुत शौक है।